ठीक है, देखो जरा, ओके, ध्रुव किधर? जल्दी, हाँ जल्दी, इधर जल्दी आ, ध्रुव तो सर्कल जिसका सेंटर एच कोमा के है, रेडियस आर है, इस सर्कल के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को इन जनरल मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, एक्स कोमा वाई से। ठीक है, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स माइनस एच का होल स्केयर प्लस वाई माइनस के का होल स्केयर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू आर आएगा, लेकिन दोनों तरफ स्केयरिंग कर दी तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू आर स्केयर। ठीक है, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्केयर। नाउ एक तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, एक्स माइनस सेंटर का एक्स का स्केयर, वाई माइनस सेंटर के वाई का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ओपन किया, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो टोटल पांच टाइप की टर्म्स हैं जो आ रही हैं इसके अंदर, एक एक्स स्क्वायर की, एक वाई स्क्वायर की, एक एक्स की, वाई की, एंड ये सारा का सारा मिलके क्या बन रहा है, कॉन्स्टेंट टर्म। तो पांच टाइप की टर्म्स है जो आ रही है हमारे पास, राइट। अब इनको इन जनरल हमने बोला कि दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, राइट। वो जो हमारी 2 डिग्री टू वेरिएबल इक्वेशन थी, इसके अंदर हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के क्वेश्चन को पहली बार तो सेम लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्वेश्चन सेम होना चाहिए, चाहे वन नहीं है, सेम होना चाहिए, राइट। अगर वन नहीं है, लेट से दोनों का टू टू है, थ्री थ्री है, फोर फोर है, उससे डिवाइड कर दो, वन बना लो स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाने के लिए, बट होना इक्वल चाहिए, एंड इसके अंदर एक्स वाई की टर्म नहीं आती। तो हमने जनरल जो इक्वेशन थी 2 डिग्री टू वेरिएबल वाली, उसके अंदर एक्स वाई की टर्म को हटा दिया, एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के क्वेश्चन को सेम ले लिया, एंड कन्वीनियंटली वन ले लिया। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमें सर्कल को कंप्लीट करना है, तो इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, स्केयरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक्स की टर्म के साथ, वाई स्क्वायर को वाई की टर्म के साथ लगाया, प्लस सी कॉन्स्टेंट अनदर अलग से लिख दिया, प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सी को उधर ले आओ, तो ये बन गया एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। अब इसको आर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया। तो अब जाके ये जो चीज बनी, इसको इस कंडीशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जी जो है वो हमारा एक्स माइनस एच के साथ जाएगा, यानी कि इधर नेगेटिव होना चाहिए था, फिर नेगेटिव के साथ जो लगा होगा वो सेंटर का एक्स होगा, तो नेगेटिव जनरेट कर लेते हैं। तो एक्स माइनस ऑफ माइनस जी का स्क्वेयर वाई माइनस ऑफ माइनस एफ का स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस सी अंडर द रूट का स्क्वेयर। तो सेंटर क्या आ जाएगा, माइनस जी कोमा माइनस एफ, जो नेगेटिव के साथ लगा हुआ है, राइट। एंड रेडियस एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस सी अंडर द रूट, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड चला गया भाई, ठीक है ना, बिल्कुल स्टैंडर्ड चला गया कि इक्वेशन को देख के, अब इस इक्वेशन को देख के इसका सेंटर कैसे निकालना है, वो आएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ, यानी कि जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसका नेगेटिव एंड हाफ, वाई का जो भी कोएफिशिएंट है टू एफ उसका नेगेटिव करना है एंड उसका हाफ करना, राइट। एंड जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको यूज करना, देखो जो भी सेंटर आ रहा है उसका स्केयर कर दो, तो माइनस जी एन माइनस एफ का स्केयर कर दिया तो क्या आ जाएगा, जी स्केयर प्लस एफ स्केयर, एंड जो कॉन्स्टेंट है उसका सब्ट्रैक्ट करके अंडर रूट कर दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस, राइट। तो इस इक्वेशन से सेंटर एंड रेडियस कैसे ढूंढना वो चीज हो गई, एंड अगर ये वाली इक्वेशन दे रखे है तो यहां से रेडियस एंड सेंटर पहचानना कैसे है, तो वो चीज हो गई, राइट। ये बिल्कुल बेसिक पार्ट आ गया हमारा, राइट। सिनॉप्सिस के अंदर भी स्टार्टिंग में हमने यही चीज लिख रखी है, हाँ जी। सर्कल की प्रॉपर डेफिनेशन आ गई जो सिनॉप्सिस के अंदर हमने लिख रखा है, एंड स्टार्टिंग में इक्वेशन भी ये लिख रखी है हमने कि एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
ठीक है, एंड रेडियस इज आर, राइट। अब वो ये बोला कि सेंटर अगर ओरिजिन हो गया तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वेशन बन जाएगी, राइट। जनरल यही है इक्वेशन, इसका सेंटर एंड रेडियस ये आएगा, बस तो वही चीज यहाँ पे लिख रखी है सिनॉप्सिस में, स्टार्टिंग में यही चीज लिख रखी है, क्लियर है, राइट। और साथ में लास्ट में ये भी लिख रखा है, एवरी सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इन विच कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई का कोफिशियंट क्या होना चाहिए, नो टर्म ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट, मतलब एक्स वाई का कोफिशियंट जीरो होना चाहिए, देन इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, ठीक है। आगे डायमेट्रिक फॉर्म, अब हमें वो सर्कल निकालना है जिसका डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स क्या है, एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो मान लिया सर्कल के ऊपर आने आने वाला जो हर एक पॉइंट है वो भैया एक्स कोमा वाई है, तो यहां पे क्या बनेगा, 90 डिग्री राइट एंगल बनेगा ना, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, राइट। तो इसका स्लोप एंड इसका स्लोप क्या हो जाना चाहिए, का प्रोडक्ट माइनस वन, तो वो किया तो क्या आ गया, y माइनस वाई टू बाय एक्स माइनस एक्स टू इंटू वाई माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन, दैट इज इक्वल टू माइनस वन। तो y माइनस वाई टू इंटू वाई माइनस वाई वन, दैट इज नेगेटिव ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, सबको इधर ले आओ, तो प्लस इक्वल टू जीरो। तो ये जो चीज बन के आई, ये आई सर्कल की इक्वेशन, क्या एक्स माइनस एक एंड पॉइंट का एक्स इंटू एक्स माइनस दूसरे एंड पॉइंट का एक्स प्लस वाई माइनस एक एंड पॉइंट का वाई एंड इंटू वाई माइनस दूसरे एंड पॉइंट का वाई। तो ये चीज क्या बन के आएगी, सर्कल। ध्यान से देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन एक्स, जिसके रूट्स क्या है, एक्स वन एक्स टू। ध्यान से चेक करो, ये एक्स की क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या है, एक्स वन एक्स टू, बट वी हैव टू मेक श्योर कि क्वाड्रेटिक की जो एक्स में क्वाड्रेटिक है उसके अंदर एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन वन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन एंड वाई स्क्वायर का क्वेश्चन या तो सेम या अगेन वन मेंटेन करो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या आ रहा है, वन। ऐसे सिमिलरली ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन वाई, राइट, जिसके रूट्स क्या है, वाई वन वाई टू, राइट। बट वी हैव टू अगेन मेक श्योर कि वाई स्क्वायर का क्वेश्चन क्या होना चाहिए, वन। उन दोनों क्वाड्रेटिक्स को ऐड कर दो, इक्वल टू जीरो कर दो, तो जो चीज बन के आएगी, दैट्स एन इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके एंड पॉइंट्स क्या है, एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, ठीक है। अब जैसे देखो आगे सिनॉप्सिस में एक क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है, क्या कि एब्सिसा ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द टू पॉइंट्स ऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद ए बी एस डायमीटर। देखो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। अब वो बोला कि ये जो दोनों एक्स हैं ये किसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इन दोनों के जो वाई है वो किसके रूट्स हैं, वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन वन, वाई स्क्वायर का क्वेश्चन वन, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करके क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसका सेंटर क्या जाएगा, इन दोनों का नेगेटिव एंड हाफ, तो नेगेटिव एंड हाफ करने के बाद ये गया माइनस वन और ये गया माइनस टू, ये जाएगा सेंटर, रेडियस क्या जाएगा, जो भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं उनका स्क्वायर, तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, ये जाएगा रेडियस।
इस तरीके से, क्लियर है राइट? ओके, अब अगला देखो जरा क्वेश्चन। ओके एक्स पॉइंट के एक्स वाले पार्ट को एब्सिस्सा बोलते हैं, वाई वाले पार्ट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है? अच्छा अब देखो, वो बोल रहे कि वी हैव अ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये इस पैराबोला को दो पॉइंट्स पे कट करेगी, ए एंड बी। उस ए बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाना है और सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ये समझे राइट? अब अगर देखो ये एम एंड सी की फॉर्म है, कोई नंबर नहीं दे रखे राइट, अगर नंबर भी दिए होते बाय द वे, अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, एम एक्स प्लस सी इधर डालने की कोशिश करूंगा, तो बहुत गंदी फॉर्म जाएगी, उसके रूट्स निकालने तो इम्पॉसिबल है राइट। सिमिलरली वाई की वैल्यू निकालना, अगर एक्स आ गया, मान लो रूट्स आ भी गए, तो उसको इधर डालूंगा, फिर जाके वाई आएगा, एक्स वन के कॉरस्पॉन्डिंगली वाई वन आ जाएगा, एक्स टू के कॉरस्पॉन्डिंगली वाई टू आ जाएगा, बट स्टिल निकालना बहुत मुश्किल है। उसके बाद उसकी इक्वेशन निकालना, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो, और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें कोई ना कोई स्मार्ट तरीका यूज करना है, तो हमने क्या किया, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके इसको इधर डाल दिया, क्या बन जाएगा, एक्स की आगे इसको इधर डाल के क्या बना, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू फोर एक्स है, इसको इधर ले आए, स्केयरिंग कर दी, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस टू एम सी एक्स माइनस फोर एक्स इज जीरो। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू एम सी माइनस टू प्लस सी स्क्वायर इज जीरो, एम स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या होना चाहिए, वन, तो एक्स एम स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये गया। अब देखो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स एंड एक्स वन एंड एक्स टू राइट, एंड एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन वन है, तो ये रूट्स के एक्स की क्वाड्रेटिक आ गई। अभी सिमिलरली वाई की क्वाड्रेटिक, अब रूट्स नहीं निकालने अपने पे, ये एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसके रूट्स क्या है, एक्स वन एक्स टू। तो ये जो चीज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली इसका वाई का निकालेंगे, उसके लिए एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो एक्स को एलिमिनेट करने के लिए मैंने इधर से एक्स निकाला राइट, क्या आ जाएगा, वाई माइनस सी बाय एम दैट इज एक्स, इसको इधर डाल दिया, क्या बन गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू एक्स की वैल्यू वाई माइनस सी बाय एम, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर फोर वाई बाय एम, इसको इधर ले आओ, माइनस फोर बाय एम वाई, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस फोर सी बाय एम दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये कौन सी क्वाड्रेटिक है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आई वाई की क्वाड्रेटिक, तो इसके दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, वाई वन एंड वाई टू, तो दिस इज वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो, एंड वी हैव मेड श्योर कि एक्स स्क्वायर का एंड वाई स्क्वायर का दोनों के अंदर का ऑप्शन क्या है, वन, बस इन दोनों को ऐड कर दो, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू एम सी माइनस टू बाय एम स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस फोर वाई बाय एम प्लस सी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस फोर सी बाय एम दैट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है राइट, माइनस फोर वाई बाय एम एंड दैट, बिल्कुल सही। तो ये आ गए, अब ये सिंपल हो गया निकालना हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्टली एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू एंड वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू की जो इक्वेशन है राइट, वाई वन वाई टू एंड एक्स वन एक्स टू की टर्म्स में नहीं, डायरेक्ट इक्वेशन को सब्सटीट्यूट किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस ठीक है? चलो, तो ये जो था अभी तक, जो अभी तक हमने किया है, ये था इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है?
अब इसके बाद इसके आगे पॉइंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले इंटरसेप्ट, तो देखो आगे क्या बोल रहा है वो, कि इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक सर्कल है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर उसका क्या इंटरसेप्ट होगा वो अपने को निकालना। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, राइट? दो तरीके इसको निकालने के, ठीक है? दोनों देखना, दोनों अलग अलग तरीके से काम आ सकते हैं। पहला कि अगर एक्स इंटरसेप्ट है, राइट, तो ये पॉइंट क्या होगा, x1, 0 एंड ये होगा x2, 0। मेरे को ये निकालना है, मतलब x1 - x2 का मॉड निकालना है। पता नहीं कौन सा बड़ा कौन सा नहीं, तो x1 - x2 ले लो, x2 - x1 ले लो, इसका मॉड निकालना, राइट? क्योंकि वाई तो है ही नहीं इसका। तो अब ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू 0। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके ऑब्वियसली आई विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, और उस क्वाड्रेटिक इन एक्स के रूट्स क्या होंगे, x1 एंड x2, और मेरे को डिफरेंस ऑफ रूट्स चाहिए, राइट? तो मैंने क्या किया, पहले वाई को 0 पुट कर दिया, तो ये गया क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या जाएगा, रूट डी बाय मॉड ए। तो रूट ऑफ डी यानी कि बी स्क्वेयर 4g² माइनस 4 × 1 × 3 डिवाइडेड बाय मॉड ए, यानी कि वो तो 1 ही है, तो सिर्फ ये बचा, तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस रूट ऑफ g² माइनस 3। तो ये आ गया एक्स इंटरसेप्ट, मतलब एक सर्कल एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेंथ बना के जाएगा, कट करके जाएगा, g² माइनस सी अंडर रूट का ट्वाइस। सिमिलरली जो वाई इंटरसेप्ट आएगा वो क्या आएगा, उसके लिए जैसे इसके अंदर वाई 0 पुट किया, एक्स एक्सिस के साथ साइमल्टेनियसली सोल्व किया, उसके अंदर वाई के लिए वाई एक्सिस के साथ करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, उसके लिए ये जो दोनों टर्म्स है ये चली जाएंगी, तो बचेगा वाई स्क्वेयर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब y1 - y2 का मॉड क्या आ जाएगा, अगेन रूट डी बाय मॉड ए, तो रूट ऑफ बी स्क्वेयर यानी कि 2f² माइनस 4 × 1 × c, बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 मॉड ए, वो तो 1 ही है, राइट? तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये इसका स्क्वायर होना था 4, तो ट्वाइस रूट ऑफ f² माइनस c, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है, श्योर? अब एक इसका दूसरा मेथड, ठीक है, क्योंकि ये जो दूसरा मेथड है ना, ये हमें बताएगा कि किसी भी लाइन के ऊपर इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ये अगर सर्कल है जिसका सेंटर -g, -f है एंड रेडियस r है, ठीक है, एंड एक ये लाइन है y = mx + c, इस लाइन के ऊपर इंटरसेप्ट निकालना, राइट? मतलब ये लेंथ चाहिए, तो मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, परपेंडिकुलर निकालूंगा, ये r हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर की लेंथ क्या आएगी, ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर सब कुछ इधर ले आओ, तो y - mx - c = 0। अब इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो लेंथ आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, वो कैसे निकालेंगे, पॉइंट को पुट कर दो, तो y की जगह डाला -f, -g, तो +mg - c का मॉड बाय 1² + m² अंडर द रूट, ये आ गया ये वाली लेंथ। अब जो बेस आएगा इसका, तो बेस क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज r² - इसका स्क्वायर, तो f - f + mg, या mg - f - c बाय 1 + m² अंडर द रूट का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आएगी इतनी लेंथ बाय द वे। अब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसी का क्या हो जाएगा, ट्वाइस, तो ये आएगा मेरा फाइनल आंसर। ये क्लियर हुआ पक्का?
तो ये तरीका अब ये एक्स एक्सिस पे भी चलेगा, क्योंकि ध्यान से देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, राइट, ये माइनस जी कोमा माइनस एफ इसका सेंटर है एंड ये रेडियस आर है। अब ये देखो, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से हाइट क्या होगा, इस पॉइंट का वाई, दैट इज माइनस एफ। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर, तो दैट इज एफ स्क्वायर अंडर द रूट। इसका ट्वाइस करना है, ये आंसर आएगा, राइट। अब रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, इसका रेडियस क्या होता था, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट। तो रेडियस का स्क्वायर क्या जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, तो वो इधर पुट किया तो आ गया एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी माइनस एफ स्क्वायर अंडर द रूट का ट्वाइस। तो एफ स्क्वायर कटा तो क्या बचा, ट्वाइस रूट ऑफ, तो ये तो बोला था हमने, तो इससे भी चलेगा। क्लियर हुआ, श्योर, राइट। वही चीज हमने इधर सिनॉप्सिस में लिख रखी है कि इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के ऊपर ट्वाइस रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ही, वो मोड मोड नहीं आना क्योंकि रूट वैसे पॉजिटिव होता है, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, ट्वाइस रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ये क्लियर हुआ, श्योर। ये वाली चीज नोट कर लेना, इन जनरल कैसे निकालना। ये वाला नहीं किया, ठीक ओके बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन इसके अंदर, विच पासिस थ्रू रीजन एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल ऑफ यूनिटी इक्वल टू यूनिटी ऑन द लाइंस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। तो बेसिकली वो ये बोल रहा है, ये वाई इक्वल टू एक्स, ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स, राइट। तो ये बोल रहा है कि वो सर्कल की इक्वेशन निकालो जो इन दोनों के ऊपर, राइट, एंड ओरिजिन से पास करें, दोनों के ऊपर कितना लेंथ का इंटरसेप्ट आना चाहिए, 1 यूनिट लेंथ का आना चाहिए। तो एक सर्कल काइंड ऑफ बनेगा ऐसा, जिसके लिए ये भी 1 है ये भी 1 है, ये समझ रहे हो, राइट। अच्छा, अब इन दोनों देखो, जो सर्कल का सेंटर होगा उसका डिस्टेंस इससे भी और इससे भी दोनों इक्वल होने चाहिए, तो वो कहां पे लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी इनकी एंगल बाइसेक्टर पे। तो इस लाइन का और इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर आ रहा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। तो मान लो ये सर्कल का सेंटर है एच कोमा के, अब ये जो चीज है देखो, ये चीज और ये चीज ऑब्वियसली इक्वल होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल होता, कोड की लेंथ आ गई ना बेसिकली, अगर कोड की लेंथ इक्वल है तो कोड का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, इक्वल। दैट इज व्हाई मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल है, दैट इज व्हाई ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, इसके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, किसके, एक्स एक्स वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। नाउ अब देखो, ये टोटल 1 है तो इसका आधा हो गया 1/2, राइट। अब ये परपेंडिकुलर, ये 45 डिग्री, तो राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल हो गया, तो ये भी हाफ चला जाएगा, तो ये आ गया इसका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, इन दोनों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ना, तो आ जाएगा इसका स्क्वायर करके 1/4, 1/4 ऐड करके 1/2 का अंडर रूट, 1/√2, ये आ जाएगा। तो यहां से 1/√2 आगे जाओगे तो सेंटर आएगा, तो सेंटर क्या आ गया, 1/√2,0, और यही रेडियस एक्ट करेगा क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो रेडियस क्या आ जाएगा, 1/√2। तो इक्वेशन आ गई, एक्स माइनस 1/√2 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वेयर, तो 1/√2 का स्क्वेयर, ये क्वेश्चन आ गया, क्लियर हुआ। अब ऐसे सिर्फ एक सर्कल नहीं आएगा, टोटल 4 आएंगे, एक ऊपर की भी बनेगा, एक इधर भी बनेगा एंड एक इधर भी बनेगा। उसके लिए ये क्या होता रहेगा, देखो अगर लेफ्ट साइड बना तो ये नेगेटिव हो जाएगा, रेडियस वही रहेगा, तो क्या आ जाएगा,
माइनस वन बाय रूट हो ना, तो एक्स माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा प्लस, तो एक्स प्लस वन बाय रूट टू का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज वन बाय रूट टू का स्क्वेयर, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो 0,1/√2, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वन बाय रूट टू का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, यानी कि 1/√2 का स्क्वेयर। एंड जब नीचे आएगा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, तो वाई माइनस ऑफ माइनस वाई प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1/√2 का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1/√2 का रेडियस वही रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारी चार सर्कल आ गए। क्लियर है? श्योर? क्या? क्योंकि ये लेंथ क्या थी, वन यूनिट यूनिट लेंथ। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है वो सर्कल जो इन दोनों लाइंस के ऊपर यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट कट करके जाता है। है। ये 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये एस राइट एंगल है, सोशलिस्ट एंगल है, तो जो ये है वही ये होगा। प्रूव नहीं किया? हाँ, 1/2 1/2, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लिया वहां से। चले, क्लियर है? वाई इक्वल टू एक्स का तो एंगल 45 डिग्री होता है ना। पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, उससे अंदर नहीं आवाती बाहर जाती है। पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। अब ना कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स है वो डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एंड वी हैव अ पॉइंट x1 y1। अब ये सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही कंसेप्ट की, दैट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ये आगे जाके टेंजेंट की भी बात हो रही है, राइट। जहां जहां पे एक कर्व होगी हमारे पास, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या सर्कल, एंड एक पॉइंट होगा, ये उन सारी की सारी सिचुएशंस की बात होगी, राइट। उन सबके अंदर हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को नाम देते हैं एस। तो एस इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इन दिस सिनेरियो, बट पैराबोला में पैराबोला की जो एक्सप्रेशन आएगा उसको एस बोलेंगे, राइट। इलिप्स में इलिप्स के एक्सप्रेशन को एस बोलेंगे, हाइपरबोला में हाइपरबोला की इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन होगा उसको एस बोलेंगे, राइट। अच्छा, अब तो एस इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है उसकी एक्सप्रेशन को, राइट। S1 का मतलब होता है कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। S1 का मतलब क्या है, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये पॉइंट को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, क्या बन जाएगा, तो S1 आ जाएगा X1 का स्क्वायर प्लस Y1 का स्क्वायर प्लस 2gX1 प्लस 2fY1 प्लस c। ये जो भी वैल्यू बन के आएगी ये वैल्यू S1 होगी, S1 इज ए वैल्यू, S1 एक कॉन्स्टेंट नंबर बन गया है, ये समझ में आया, ठीक है। देन इफ ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, अब तीसरा पार्शियल सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अगर दो एक्स हैं, एक की जगह डालना दूसरी जगह अगर नहीं डालना, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की टर्म के लिए क्या बन जाएगा मेरा एक्स इंटू X1, वाई स्क्वेयर की टर्म के लिए क्या बन जाएगा वाई इंटू Y1, 2x के लिए क्या बन जाएगा x प्लस X1, x 2x का मतलब क्या है x प्लस x ना, तो एक x की जगह डाल दिया, एक ऐसे रख दिया, ऐसे 2y की जगह क्या डाल दिया y प्लस Y1,
एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रखेंगे। क्लियर हुआ? एक्स के अंदर दो एक्स है, एक एक्स को डाल दिया, एक को रहने दिया। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर ये सारी की सारी चीज डिग्री टू, लेकिन इधर क्या कॉन्स्टेंट इंटू डिग्री वन, तो डिग्री वन, ये डिग्री टू डिग्री वन, डिग्री वन डिग्री वन डिग्री वन डिग्री वन कॉन्स्टेंट, तो डिग्री जीरो डिग्री जीरो। तो ये करता क्या, हर एक चीज को डिग्री वन में कन्वर्ट करता है, ये पार्शियल सब्स्टिट्यूशन है। तो ये पार्शियल सब्स्टिट्यूशन जब इसके अंदर करूंगा तो क्या बन जाएगा, मेरा एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर बन जाएगा वाई वाई वन, ये बन जाएगा जी इंटू, देखो जी इंटू टू एक्स है तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी। तो ये जो चीज बन के आई, इसको इक्वल टू जीरो कर दो, इसको बोलते हैं टी इक्वल टू जीरो। तो पार्शियल सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं टी इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। ठीक है, एस इक्वल टू जीरो, एस वन वैल्यू एंड पार्शियल सब्स्टिट्यूशन टी इक्वल टू जीरो, ये क्लियर है? इनको यूज करेंगे डायरेक्टली। जैसे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, तो जो पॉइंट है सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू, या तो बाहर हो सकता है सर्कल के ऊपर हो सकता है, या तो सर्कल के अंदर हो सकता है, राइट? अब कहीं पर भी है, ये चीज को ऑब्जर्व करने के लिए उसका क्या कंपैरिजन किया जाएगा, पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस आ रहा है एंड जो रेडियस आ रहा है इसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा। तो ये आ गया पॉइंट पी सेंटर सी रेडियस आर, तो सीपी ग्रेटर देन आर, सीपी इक्वल टू आर, सीपी लेस देन आर। अगर सीपी ये जो चीज है आर से बड़ी हुई, तो मतलब पी बाहर होगा, तो यहां पे आ जाएगा आउटसाइड, यहां पे आ जाएगा ऑन द सर्कल, और यहां पे क्या आ जाएगा इनसाइड, यहां पे इनसाइड आ जाएगा। क्लियर हुआ, राइट? अच्छा, अब एक पॉइंट ले लो एक्स वन वाई वन, सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस ऑफ माइनस जी यानी कि प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई वन प्लस एफ का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट? एंड रेडियस क्या है इसका, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट। अब कंपैरिजन करना है इसका, लेट से मैं ग्रेटर देन वाले के लिए लेके जा रहा हूं। अब ये दोनों इनइक्वालिटी है, लेकिन दोनों चीजें पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, तो इनइक्वालिटी जहां पे दोनों साइड पॉजिटिव होते हैं वहां पे स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग करके क्या चला गया, एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ग्रेटर देन, इधर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट हट जाएगा स्केलिंग के कारण, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर कटा माइनस सी, इधर आके प्लस सी हो गया, तो मेरा बन गया एक्स के एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एफ वन, कि पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो, तो जो वैल्यू बन के आएगी अगर वो ग्रेटर देन जीरो हुआ तो क्या बन जाएगा, पॉइंट आएगा आउटसाइड। तो पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, इक्वेशन का मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर है तो पहले माइनस फोर लाओ इक्वल टू जीरो। अब इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, एस बोलूंगा, सब कुछ एक साइड होना चाहिए, ध्यान से चेक करो इक्वेशन में, सब कुछ एक साइड होना चाहिए। अब जाके इसको क्या बोलेंगे, एस। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर पॉइंट को पुट करो, पुट करने के बाद देखो कि इस पूरी चीज की वैल्यू क्या आ रही है, अगर तो ग्रेटर देन जीरो आ रही है मतलब आउटसाइड, ऐसे यहां पे क्या आ जाएगा एस वन इक्वल टू जीरो तो मतलब ऑन द सर्कल, एंड सिमिलरली इसके लिए क्या आ जाएगा एस वन लेस देन जीरो तो इनसाइड, दैट्स इट, सिंपल। तो सिंपल हो गया, यहां से क्या पता चला कि अगर पॉइंट का देखना है कि वो अंदर है बाहर है ऊपर है, तो सर्कल का एक्सप्रेशन बनाओ, पहले सब कुछ एक साइड लाओ, उसको एस बोल दिया, पॉइंट को पुट कर दिया, एस वन बन गया। अब एस वन की वैल्यू पॉजिटिव है तो बाहर, जीरो है तो ऊपर, नेगेटिव है तो अंदर, ये चीज क्लियर हुआ, ये नोट करो। सर वीडियो वाली
देखो, अब पॉइंट अगर बाहर है तो इस पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ढूंढना। अब सर्कल कौन बनाता है, सेंटर? नहीं, सर्कमफेरेंस। तो अगर मेरे को इस पॉइंट का इस पूरे सर्कल से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ढूंढना है तो सर्कमफेरेंस के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स हैं वहां से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ढूंढना। ठीक है, तो देखो अब ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये सबसे कम होगा, ये पॉइंट है, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस आए ना, इनमें से सबसे कम क्या होगा, ये वाला, एंड सबसे ज्यादा होगा ये वाला, एंड दैट वुड बी इक्वल टू सीपी में से आर को माइनस करो, मिनिमम सीपी में आर को ऐड कर दो, तो मैक्सिमम इज सीपी प्लस आर एंड मिनिमम इज सीपी माइनस आर। ये क्लियर है? सीपी तो निकाला जा सकता है ना, पॉइंट गिवन है, सर्कल का सेंटर पता है, सर्कल अगर पता है, सर्कल का सेंटर पता है तो उससे डिस्टेंस निकाल लो, तो सीपी प्लस आर एंड सीपी माइनस आर। ये क्लियर है? श्योर। नेक्स्ट, अब अगर पॉइंट अंदर आ रहा है, ये सेंटर, ये पॉइंट पी, तो इन दैट केस ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये मिनिमम होगा एंड ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम। अगेन मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ जाएगा, सीपी प्लस आर, यानी कि ये अभी भी मैक्सिमम ही है। अब इस केस में ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर में से सीपी माइनस करना, तो हमें नहीं पता यहां पे सीपी बड़ा है या आर बड़ा है, डिस्टेंस निकालना ना, तो इसका मोड कर दिया। अब चाहे सीपी माइनस आर करो चाहे आर माइनस सीपी करो फर्क नहीं पड़ता, तो ये मैक्सिमम आएगा ये मिनिमम आएगा, चाहे पॉइंट अंदर है चाहे पॉइंट बाहर है। अब अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर आ गया, ये पी ये सी, तो इन दिस केस ऑल्सो सीपी इज आर ना, तो सीपी प्लस आर करोगे तो क्या आ जाएगा, आर प्लस आर टू आर हो जाएगा, वही मैक्सिमम डिस्टेंस है, राइट? तो अभी भी ये मैक्सिमम एक्ट करेगा। पर अगर मिनिमम ढूंढना है वो तो खुद का खुद से डिस्टेंस, वो तो सर्कल के ऊपर आ रहा है तो जीरो होगा, तो इन दैट केस सीपी माइनस आर क्या बन जाएगा, आर माइनस आर जीरो, तो यानी कि मैक्सिमम मिनिमम हमेशा हमारा यही चलेगा, सीपी प्लस आर एंड सीपी माइनस आर का मोड, दैट्स इट। ये क्लियर हुआ? पक्का? ये वहां पे लिख रखा है हमने सिनॉप्सिस में, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, ये इसी के अंदर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट के अंदर ही सेकंड लाइन है, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए एक्स वन वाई वन फ्रॉम द सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस आर इज सीपी प्लस आर का मोड एंड सीपी माइनस आर का मोड। प्लस के अंदर तो चलो वैसे भी मोड नहीं चाहिए, बट स्टिल ठीक है, वेयर सीपी रिप्रेजेंट्स द इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ये क्लियर हुआ? श्योर। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, देखो आगे एक एग्जाम्पल दे रखी है, इफ द ज्वाइन ऑफ एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू मेक्स एन ऑब्टूज एंगल एट एक्स थ्री वाई थ्री, देन प्रूव दैट कि एक्स थ्री माइनस एक्स वन इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स टू प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन इंटू वाई थ्री माइनस वाई टू वुड बी लेस देन जीरो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ध्यान से समझना, कि एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन एंड एक पॉइंट है एक्स टू वाई टू, इन दोनों को ज्वाइन किया एंड ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है एक्स थ्री वाई थ्री, ये जो लाइन सेगमेंट है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू को ज्वाइन करके ये एक्स थ्री वाई थ्री पे जो एंगल बनाएगी ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, तो हमें ये प्रूव करना है कि एक्स थ्री माइनस एक्स वन इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स टू प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन इंटू वाई थ्री माइनस वाई टू वुड बी लेस देन जीरो। ये समझे? ये समझे? राइट यार, अगर यहां पे एक्स थ्री की जगह एक्स हो जाए, ये एक्स हो जाए, ये वाई हो जाए एंड ये वाई हो जाए एंड ये इक्वल टू जीरो हो जाए, तो ये मेरी एक्चुअली में सर्कल की इक्वेशन है डायमेट्रिक फॉर्म, जिसका एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू से डायमेट्रिक एंड पॉइंट है, उसी इक्वेशन के अंदर हमने कौन सा पॉइंट पुट किया है, एक्स थ्री वाई थ्री, यानी कि एस वन है एक्स थ्री वाई थ्री का, ये समझे? एक्सप्रेशन में हमने एक्स थ्री वाई थ्री पुट कर दिया, मतलब ये एस वन एक्ट करेगा, जब पॉइंट को एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं वो क्या बन जाता है, एस वन, तो ये एस वन है, हमें एस वन लेस देन जीरो प्रूव करना है, राइट? तो देखो मैंने क्या किया, ये भूल जाओ, मैंने इनको डायमेट्रिक एंड पॉइंट मानते हुए सर्कल बना लिया, क्या आ जाएगा एक्स, यही आ जाएगा ना, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से सोचना कि सर्कल सर्कमफेरेंस के ऊपर आने वाले पॉइंट पे क्या एंगल बनेगा, 90, ऊपर जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 90 से कम हो जाएगा, क्यूट एंगल बने, तो कोई भी पॉइंट जो बाहर लाई करता है सर्कल के उसके लिए एंगल क्या, उस पे एंगल क्या, डायमीटर उस पॉइंट पे एंगल क्या बनाएगी, एक्यूट, और जब अंदर आ जाएगा पॉइंट तो क्या आएगा,
तो यानी कि अगर इस सर्कल x3 y3 का पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो उसका सर्कल के अंदर होना चाहिए, मतलब x3 y3 जब मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा तो क्या हो जाना चाहिए, लेस देन जीरो, s1 लेस देन जीरो हो जाना चाहिए। तो मतलब 3 3 3 3 दिस शुड बी लेस देन जीरो, हेंस प्रूव्ड, बात खत्म, ये चीज प्रूव करनी थी, क्लियर हुआ? यस, पीछे कर लो भाई, प्रॉपर, क्लियर हुआ? तो मैं ये क्वेश्चन आई थिंक 10th में भी था कि पॉइंट अंदर होता है अगर ऑब्ट्यूज एंगल होता, तो ये 10th में भी था जब सर्कल की थ्योरी आई थी, सर्कल तो था ही ना, अच्छा आगे अगला पॉइंट है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब है कि अगर ये सर्कल का सेंटर है एच कोमा के, ये इस तरीके से है, इसके ऊपर आने वाले पॉइंट को अब हम आर एंड थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो मैंने इसके ऊपर आने वाले पॉइंट को इन जनरल एक्स कोमा वाई ले लिया। अब देखो ये बन गया, ये रेडियस क्या है आर, मान लो थीटा है, तो इसका ये क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा एंड ये आ जाएगा आर साइन थीटा, और ये डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा एक्स माइनस एच, तो एक्स माइनस एच क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा, सिमिलरली आ जाएगा डेल्टा वाई यानी कि वाई माइनस वाई वन आ जाएगा आर साइन थीटा। अब यहां से इसको नीचे मतलब यहां से एक्स क्या आ जाएगा एच प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई आ जाएगा वाई वन प्लस, सॉरी वाई वन की जगह क्या है हमारा के, तो के प्लस आर साइन थीटा, राइट? तो सर्कल के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट इससे रिप्रेजेंट हो सकता है ना, अभी दैट इज एच प्लस आर कोस थीटा कोमा के प्लस आर साइन थीटा। तो जैसे जैसे हमारा रेडियस तो फिक्स रहेगा, जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा बस एक्स एंड वाई चेंज करता रहेगा, और वो हमेशा इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तो अब सर्कल के ऊपर आने वाले पॉइंट को हम आर एन थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेंस इसका पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया। अब यहां से देखो ये जो चीज दे रखी है, यहां से इन दोनों को इकट्ठा लिखने के लिए हमने क्या किया, कॉस थीटा को नीचे ले आया, साइन थीटा को नीचे ले आया, दोनों आर बन गए, इक्वेट कर दिया, क्या बन जाएगा एक्स माइनस एच बाय कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस के बाय साइन थीटा दैट इज इक्वल टू आर। तो ये बन गए मेरी पैरामेट्रिक फॉर्म, यहीं से एक्स एंड वाई निकाल लो तो वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा जिसका सेंटर क्या है एच कोमा के एंड रेडियस क्या है आर, बात खत्म, क्लियर हुआ? पक्का? चले एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो यस एक्स वाई से आर से थीटा ही होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए आर साइन थीटा भाई, वो हाइट है, वो डेल्टा वाई होगा ना, ये डेल्टा एक्स होगा ना,
चलें। अब देखो अगला है लाइन एंड सर्कल। तो ये अगर सर्कल है तो लाइन या तो उसका डायमीटर हो सकती है, या तो उसका टेंजेंट हो सकती है, या तो सीकेंट या फिर कोडेक्ट करेगी, या फिर फोर्थ केस नो रिलेशन एट ऑल, राइट। अब देखो ये चारों केसेस किस पे डिपेंड करते हैं कि सेंटर से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। अगर तो जीरो है यानी कि सर्कल से सर्कल का सेंटर लाइन से पास कर रहा है, लाइन के ऊपर लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगी, राइट, यानी कि सेंटर जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इन दैट केस डिस्टेंस जीरो आ जाएगा तो क्या बन जाएगी वो डायमीटर। अगर वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ गया तो क्या बन जाएगा टेंजेंट, अगर उससे कम आया तो सीकेंट, उससे ज्यादा आया तो नो रिलेशन, ये समझे। तो अगर ये सेंटर सी है, ये पॉइंट पी है, तो अगेन सी पी अगर इक्वल टू आर हो जाए तो क्या बन जाएगा टेंजेंट। ये कंडीशन है कि लाइन जो है वो सर्कल का क्या है, क्या रिलेशन है इनका आपस में। अगर सी सेंटर से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो सीपी है अगर वो रेडियस के बराबर हो गया टेंजेंट, सीपी इक्वल टू जीरो हो गया तो डायमीटर, सीपी लेस देन आर हो गया तो सीकेंट, एंड सीपी ग्रेटर देन आर हो गया तो नो रिलेशन, मतलब बाहर की बाहर से जाती जा रही है बात, खत्म, क्लियर हुआ। श्योर, यहाँ पे वही लिख रखा है, लेट एल इक्वल टू जीरो बी द लाइन एंड एस इक्वल टू जीरो बी द सर्कल इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द लाइन, ठीक है ये वाला। तो अगर उसने बोला कि पी ग्रेटर देन आर हो गया तो क्या बनेगा, नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट पासिस आउटसाइड, नो रिलेशन वाला। इक्वल टू आर हो गया टेंजेंट, लेस देन आर हो गया सीकेंट, इक्वल टू जीरो हो गया तो डायमीटर। अब जैसे ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास लाइन है 3x-my+5=0 एंड सर्कल दे रखा है x²+y²-4x+6y-3=0। वो बोला कि ये इसकी टेंजेंट है तो m की वैल्यू क्या होगी। अब भैया ये लाइन अगर इस सर्कल की टेंजेंट है तो इस सर्कल के सेंटर से दैट इज x एंड y का हाफ करो एंड नेगेटिव कर दो, क्या आ जाएगा 2, -3। अच्छा रेडियस क्या आ जाएगा, सर्कल के जो भी कोऑर्डिनेट्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उसका स्क्वायर करो तो 4+9, माइनस कॉन्स्टेंट हम तो -3 अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा 4। तो इस सर्कल के सेंटर से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होना चाहिए, राइट। तो क्या आ जाएगा इस पॉइंट से इसके ऊपर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2 पुट किया 6, -3 पुट किया तो 3m, 5 एज इट इज का मॉड बाय a² + b² अंडर रूट, तो 3² + m² अंडर द रूट दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस दैट इज 4। क्या आ गया 3m +11 का मॉड इक्वल टू 4√3² + m², स्केयरिंग कर दो तो 9m² + 121 + 2ab तो 66m, 16 into m² + 9 तो दैट इज 16m² + 144। अब एक काम करो सबको उधर ले जाओ, 16m² - 9m² 7m² राइट, -66m एंड ये उधर जाएगा 144 में से 121 माइनस होगा तो क्या आएगा 23, दैट्स इट। इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, यू विल गेट दी वैल्यूज ऑफ m, इसके जो दो रूट्स आएंगे वो m1 m2 मतलब वो 2m की वैल्यूज होंगी। अच्छा अब 2m की वैल्यूज क्यों आई, दो साइड में बिल्कुल ठीक है ना। कर लो ये तो सीपी क्वेश्चन है इक्वल टू आर हमने किया बस, और कुछ नहीं, वहां से एम की वैल्यू निकाल ली। पांच मिनट
चलें। अब आ गया एक टेंजेंट, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेंजेंट, ठीक है। अब इसके टोटल दो तीन फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला आ रहा है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म के लिए अब मैं ना तीन चारों का इकट्ठा लेके चलूंगा, ठीक है। एस इक्वल टू जीरो मतलब ये हमारा सर्कल भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा पैराबोला भी हो सकता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ये हमारा इलिप्स भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये हमारा हाइपरबोला भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, एंड वी हैव अ पॉइंट दैट इज एक्स वन वाई वन जो कि कर्व के ऊपर लाई करता है, सर्कल है तो इसके ऊपर आ गया एक्स वन वाई वन, पैराबोला है। अच्छा पैराबोला लेफ्ट राइट ऊपर नीचे स्लांट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर पॉइंट आ गया एक्स वन वाई वन, एलिप्स है तो इसके ऊपर पॉइंट आ गया एक्स वन वाई वन, एंड अगर हाइपरबोला है इसके ऊपर पॉइंट आ गया एक्स वन वाई वन। तो यहां पे जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होगी, चारों के केस में सेम इक्वेशन है क्या, टी इक्वल टू जीरो, दैट इज पार्शियल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू जीरो। तो इस पॉइंट का इसके साथ पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करो क्या आएगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी इंटू टू एक्स की जगह लिखा एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू टू वाई की जगह लिखा वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके लिए सब कुछ इधर ले आओ या उधर ही रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन इक्वल टू इधर से टू ए अलग कर लिया और बाकी बचा टू एक्स, तो टू एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन, इधर एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, एंड सिमिलरली इधर आ जाएगा एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ये इनकी टेंजेंट की क्वेश्चन है पॉइंट फॉर्म, मतलब अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो पार्शियल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू जीरो उस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू मेरे को क्या देगा, सर्कल की उसके उस पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन देगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ, श्योर, ये नोट कर लो।